वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। असी अज कौमी इंसाफ मोर्चा जिहड़ा मोर्चा जथेदार जगतार सिंह जी हवारा सिंह साहब उन्हां दे आदेशां अनुसार साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी की अगवाई हेठ बड़े शांतमय तरीके नाल ये मोर्चा चल रहा और बड़ी सीधी ते स्पष्ट जी मंग है सरकार कोलों कि जिहड़े 27-27 साल 28-28 साल 31-31 साल पहले सिंघां नूं गिरफ्तार किया और उन्हां नूं जेलां विच हो गए और ये मंग जिहड़ी है वह पंजाब की नहीं है वह देश की नहीं है समुची कौम की मंग है शांतमय तरीके की मंग है और इस मंग वास्ते पहले भी बहुत संघर्ष होया ते शहीदियां भी पाई गई भुख हड़ताल भी रखिया गई। अज भी ये मोर्चा जो सुचुची अगवाई जी है उदे हेठ चल रहा साढ़े नाल बहुत ही सत्कारयोग साढ़े बापू जी जिन्होंने अपनी सुचुची अगवाई हेठ मोर्चे नूं इस तरह हैंडल किया है कि अज इस मोर्चे नाल दुनिया भर के लोग जुड़ गए। मैनू कई बार बाहर जाने का मौका मिलता है, खाली पंजाब नहीं है पूरी दुनिया के विच इस मोर्चे बारे सिख चिंतक है, चाहे संगत विच, चाहे गुरु घर के लंगर ते चाहे लाइब्रेरी विच, हरेक टेबल ते जिथे भी सिख या पंजाबी रहिंदे इस मोर्चे चर्चा होंदी है और इस मोर्चे की चर्चा होने करके सिख कौम कितना किते सरकारां कोलों नाराज है। वो ये कह रहे कि जै जी मंग नूं सरकारां मंगण नूं तैयार क्यों नहीं है, जिहड़ी कौम ने इस देश विच रहण वाले लोगों नूं आजादी का निक मानण का मौका दिता होवे और 85% कुर्बानियां कीतियां होवे, बार्डरां दी इह कौम सुरक्षा करदी होवे और इन्हां ने 1965 की जंग विच ये सारे इलाके बचाए होण और जदों भी कदी त्रासदी आंदी होवे ते सिख कौम ने अगे वध के सेवा कीती होवे और जिहड़े पहले सिंघ रिहा भी होए आ कोटा ने रिहा किते उन्हां दे आण करके पंजाब विच किते कोई अशांति नहीं फैली और जिहड़े ये बंदी सिंघ है ये इन्हां दी जेल प्रशासन जिहड़ी हैगी आ उह बाबा जी भाई साहब कह के सत्कार करदा है और जिहड़े जेलां हैगीआं उन्हां जेलां दे विच जिहड़े गैंगस्टर है नशा करदे आ समैक पींदे आ उह बंदी सिंघां दी संगत च आण के इक सुचुजे मनुख बन जांदे आ और प्रशासन की हैल्प होंदी है। तो फिर कारण की है, कारण की है सरकारां क्यों सिख कौम नूं टिच समझ रही है कि सिख कौम नूं हलका लै रही है कि सिख कौम नूं शांतमय तरीके नाल जिहड़ी चल रही सिख कौम उहनूं कितना कितने उकसा रहे हैं, फिर एक बार जवानी का घाण करन दा प्रोग्राम बनाया जा रहा है। क्यों सिख कौम ने कभी इस देश के लोगों वास्ते मुसीबत नहीं खड़ी की समझ के हैल्प ही की है। इस करके साड़ी इको एक डिमांड है समुचे सिख कौम की कि बंदी सिंघां नूं जिन्नी जल्दी हो सके रिहा किया जाए और दूसरी गल यह है कि उन्हां नूं रिहा किया जाए और दूसरी गल है कि जिहड़े मोर्चेबाजी जिहड़ी हैगी है वह मोर्चेबाजी क्यों लाने का मौका सानूं दिंदी सरकार वो इस करके दिंदी है कि सिख कौम खज्जल खुआर होवे। सानूं तां कितें विकास वास्ते साडी एनर्जी जिहड़ी लगनी चाहीदी सी पर साडी एनर्जी आपणे बंदी सिंघां नूं रिहा करन वास्ते लग रही है। मैं समझदा इस तों नखेध ते माड़ी सोच सरकारां दी जिहड़ी हैगी एजेंसियां दी उह हो नहीं सकदी। इस वास्ते अज सिख कौम नाराज़ है, सिख कौम गाहे बगाहे इस देश दे लोकां दे काम आउंदी है और बार्डरां दी राखी करदी है ते इस करके जिहड़ी इत्थे डिमांड है और जिहड़ा मोर्चा लगा जिन्नी जल्दी हो सके सरकारां नूं बंदी सिंघां नूं रिहा करके सुरखरू होना चाहिए ते सानूं अपने घरां ते अपने काम कारां दे विच लगन दा मौका देना चाहिए सरकार नूं और अशांति सरकार नूं नहीं फैलानी चाहिए, सरकार नूं धक्का नहीं करना चाहिए। सरकार किसी ना किसी रूप में साडे नाल धक्का कर रही है और इस करके साडी हुण भी
कौम ते आने वाली जनरेशन भी इस गल नूं लै रही कि सरकारां ने धक्का करना कर रही है कि इन्नी साडी जिहड़ी हैगी आ उह मंग है कि बंदी सिंह रिहा होने चाहिए है ते सरकारां नूं जिन्नी जल्दी हो सके ये काम कर देना चाहिए।